हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका सीआरपीएफ ईएसआई स्टेनो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल रिजल्ट अपडेट हो गया है। रिटर्न एग्जाम का आपका रिजल्ट आ गया है। तो सीआरपीएफ ईएसआई स्टेनो, अभी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो ईएसआई स्टेनो के लिए अप्लाई कर दिया या हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में ज़्यादा एप्लीकेशन है, ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं क्योंकि वैकेंसीज भी ज़्यादा है। अब देखिए, यहाँ पर एक बात आपको बता दें कि जब भी नोटिफिकेशन आता है तो हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स तो प्री स्किल को देख के अप्लाई कर देते हैं, कोर्स के बारे में, उस जॉब रोल के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होती। ऐसे ही कुछ मैसेजेस मिले कि सीआरपीएफ मिनिस्ट्रियल स्टाफ का काम क्या होता है। तो देखिए, पहले तो आपको बता दें ईएसआई स्टेनो क्या है। ईएसआई स्टेनो है पीए टू कमांडेंट, पर्सनल असिस्टेंट जो कमांडेंट हैं, तो रोजमर्रा का काम कमांडेंट का है। उनको उनकी इसको कहते हैं कि सहूलियत के लिए पीए टू कमांडेंट बेसिक काम है उनका। इसके अलावा उनको आईजी डीआईजी हेडक्वार्टर में, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में, कहीं भी उनको पोस्टिंग उनका हो सकता है। काम उनका क्या है, स्टेनो जो सिविल में स्टेनो का काम होता है कि कुछ ड्राफ्टिंग करवाना है, कुछ जो मैटर है उनको रोजमर्रा के काम उनको याद करवाना, उनको जो लेटर्स हैं वो सब उनके अरेंज करना, ये सब काम उनका होता है। कि कुछ ड्राफ्टिंग करवाना है मैटर, टाइपिंग वर्क है, टाइपिंग आना चाहिए। स्टेनो का जो शॉर्ट हैंड होता है वो सब आना चाहिए, उसका स्किल टेस्ट आपका होगा। अब हम बात करते हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल यूनिट लेवल के लिए हम बात करें तो बहुत सारे ब्रांचेस होती हैं यूनिट में, जैसे कि कैश है, क्यू ब्रांच है, ट्रेनिंग क्लर्क है, ये सब के जो इंचार्ज होते हैं वो हेड कांस्टेबल से ऊपर ईएसआई या एसआई लेवल के अफसर हैं वो होते हैं। और उसमें डिफरेंट ब्रांचेस में जो क्लर्क्स हैं वो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल को ये काम, मिनिस्ट्रियल मतलब मंत्रालय स्टाफ, जैसे कि कैशियर है। अब कैशियर क्या है कि डायरेक्ट हेड कांस्टेबल को चार्ज नहीं दिया जाता है, वो ईएसआई, क्योंकि प्रमोशन आपका नेक्स्ट होगा वो ईएसआई पे होगा, ईएसआई उसके बाद में एसआई, एसआई के बाद में इंस्पेक्टर, तो इंस्पेक्टर तो यूनिट में इनको हेड साहब कहा जाता है, हेड क्लर्क जो होते हैं पूरा मिनिस्ट्रियल स्टाफ का इंचार्ज वही होते हैं। और उसके बाद प्रमोशन अगला एसी सहायक कमांडेंट। अब एसी मिनिस्ट्रियल भी होते हैं और एसी मिनिस्ट्रियल से कोई भी ऊपर चला जाता है यानी कि डिप्टी कमांडेंट हो जाता है, तो डिप्टी कमांडेंट होने के बाद वो जीडी में आ जाते हैं, यानी उसके बाद मिनिस्ट्रियल का काम खत्म। हालांकि अभी जो सिनेरियो चल रहा है प्रमोशन का, उसमें ऐसा नहीं लगता कि कोई हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल से भर्ती होके और डिप्टी कमांडेंट तक पहुंच जाए। हालांकि तीन साल बढ़ गए हैं तो वो तीन साल बढ़े हैं तो ये यहाँ पर देखिए आपको समझाने की कोशिश की है कि ऑफिस वर्क है। साधारण भाषा में आप समझ सकते हैं कि ऑफिस वर्क है। आप जैसा देखते हैं कि हेड कांस्टेबल जो रैंक यहाँ पर लगा रहता है, तीन स्ट्रिप उल्टा वी बना हुआ वो, और ये सीधा वी बना हुआ वो हम देखते हैं कहीं चुनाव ड्यूटी में देखते हैं, या कहीं पार्लियामेंट के यहाँ पे देखा, या कहीं भी हमने देखा कि सीआरपीएफ या कहीं वीआईपी सिक्योरिटी में देखा, तो वो ड्यूटी मिनिस्ट्रियल वालों को नहीं मिलती। उनका काम सिर्फ ऑफिस में रहना है। हालांकि यूनिट कहीं भी जाती है उसके साथ ऑफिस भी जाता है, ऑफिस जाएगा तो ऑफिस के लोग भी जाएंगे। अब इनके साथ जीडी के लोग भी काम करते हैं, जीडी वाले जो हैं उनको भी मिनिस्ट्रियल स्टाफ में लगाया जा सकता है, लेकिन क्या मिनिस्ट्रियल स्टाफ को जीडी की ड्यूटी दी जा सकती है, ऐसा नहीं। एक हेड कांस्टेबल जो है वो ड्यूटी क्लर्क की ड्यूटी करते हैं, तो ड्यूटी क्लर्क का मतलब है कि रोज की जो डाक है वो, चाहे उस दिन यदि संडे होगा तो भी उस दिन के लिए आपकी ड्यूटी आ गई, तो आपको डाक को शिफ्ट करना, इधर उधर अधिकारियों तक पहुंचाना, कोई इमरजेंसी मैसेज है उसको अफसरों तक पहुंचाना, ये सब आपका काम होता है। अब यूनिट में भी पोस्टिंग होती है डीआईजी, आईजी हेडक्वार्टर, फोर्स हेडक्वार्टर, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस या जितने भी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं फोर्स के, वहां पर
कहीं भी पोस्टिंग आ सकती है। इनिशियल पोस्टिंग साधारणतया यूनिट में ही दी जाती है। क्या यूनिफॉर्म लागू है? बिल्कुल यूनिफॉर्म लागू है। सीआरपीएफ का जो यूनिफॉर्म है वो क्या हेड कांस्टेबल जीडी वालों के लिए है, वो आपके लिए भी लागू है। क्या वेपन भी मिलता है? बिल्कुल मिलता है वेपन भी। आप भी एक कॉम्बेटेंट पोस्ट पर आप जा रहे हैं तो आपकी भी ट्रेनिंग होगी, हथियार की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग कितनी होती है? देखिए कितनी होती है तो ये सभी फोर्सेस का अपना अपना है कि उसमें आपको ऑफिस वर्क प्लस आपको कॉम्बेटेंट जो रोल है आपका वो भी आपका ट्रेनिंग में शामिल होता है। वेपन्स की भी आपकी ट्रेनिंग होती है, ड्रिल की परेड सब कुछ उसमें होता है। आप कुछ हमारे साथी जो है वो फैसिलिटीज़ के बारे में पूछ रहे थे, पूरी फैसिलिटीज़ मिलती है। आप कुछ हमारे कैंडिडेट्स ने जानना चाहा कि हमें बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए, तो डिटेल में जानकारी चाहिए उसके लिए आपको एक चैनल रेफर कर देते हैं। एक है कमांडो बिंद सर का ने चैनल देखा, मैं भी कहीं से जानकारी लगी। खुद वो निश्चित रूप से इंस्पेक्टर पोस्ट पर हैं सीआरपीएफ में, और उनका जो जानकारी है बिल्कुल सटीक जानकारी आपको वहां से मिल जाएगा। किसी तरह का कोई क्वेश्चन आपका होता है इसके संबंध में वो भी आपको वहां से मिल जाएगा। तो हमारे तमाम वो कैंडिडेट्स जो सीआरपीएफ एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में देखे क्वालिफाई हो गए हैं, उनको अब आगे के चरण की तैयारी अपनी शुरू कर देनी चाहिए। दूसरी बात, आपको यहाँ एक बात बताना चाहूँगा, आगाह करना चाहूँगा कि देखिए स्टेनो का आपने कोर्स नहीं किया है तो अब इस पर हाथ नहीं डालना। और टाइपिंग, अब कि मैं टाइपिंग करता हूँ, टाइपिंग तो मैं भी कर लेता हूँ, टाइपिंग स्पीड के बारे में KDPH के बारे में उसके लिए अलग से वीडियो बना रहे हैं। टाइपिंग, अब आप CPO SI की तैयारी करते हैं, आप ASI स्टेनो में आप क्वालिफाई हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना CPO का तैयारी छोड़कर स्टेनो के बारे में कि मैं स्टेनो अभी महीना भर कोर्स करके या महीने भर तैयारी करके मैं स्टेनो क्वालिफाई कर जाऊँगा वो बहुत, या एक महीना में पूरे समय टाइपिंग ही करूं, क्योंकि टाइपिंग क्या स्पीड है क्या नहीं है उसके बारे में अलग से हम वीडियो बना रहे हैं। KDPH के बारे में आपको बताने की कोशिश करें, कितनी गलतियां माननी होती हैं उसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे। तो आशा करता हूं जो हमारे तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने जानना चाहा था कि क्या जॉब रोल होता है, थोड़ा शॉर्ट में देखिए वीडियो में समझाने की कोशिश की, और ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो आप सर्च कर लेना कमांडो बिंद सर, जो उनके यूनिफॉर्म को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि वो इंस्पेक्टर हैं, लेकिन हो सकता है प्रमोशन उनका हो गया होगा, लेकिन वो सीआरपीएफ में कार्यरत हैं। तो निश्चित रूप से आपको सीआरपीएफ के जॉब रोल के बारे में ज़्यादा जानकारी वहां से मिल पाएगी। बने रहें दोस्तों चैनल के साथ। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी, आर्मी एयरफोर्स नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी नेवी एयरफोर्स BSF CRPF CISF SSB स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSC GD का चेकअप वही से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।